नमस्कार। कक्षा 6 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम कर रहे हैं। यह है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, यानी 20 से छोटे सभी प्राइम और कंपोजिट नंबर हमें यहां लिखने हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक अलग शीट लेता हूं जिस पर कि हमने 1 से लेकर 20 तक गिनती लिखी। अब इसमें से हम प्राइम नंबर छांटते हैं। छांटने का तरीका बड़ा आसान है, आपको एक्टिविटी भी करवाई थी, मेरा वीडियो देख सकते हैं प्राइम नंबर्स का। सबसे पहले जो नंबर दो के पहाड़े में आते हैं उनको काट दो। दो को नहीं काटना, जो दो के पहाड़े में आते हैं उनको काटना। चार कट गया, दो तिया छह कट गया, आठ कट गया, दस कट गया, बारह कट गया, चौदह कट गया, सोलह कट गया, अठारह कट गया और बीस कट गया। इसके बाद तीन का पहाड़ा, तीन को नहीं काटना, बाकी नंबर काट दो। तीन एकम तीन नहीं काटना, तीन दुनी छह कट चुका, तीन तिया नौ, इसको भी काट दो। तीन चौके बारह कट चुका, तीन पांचे पंद्रह, इसको भी काट दो। तीन छके अठारह कट चुका, आगे है नहीं। चार का पहाड़ा, क्योंकि दो के पहाड़े सारा कट दिया तो चार का भी ऑलरेडी कट चुका है। पांच का पहाड़ा हम देख लेते हैं, पांच को नहीं काटना, बाकी सारे काटो। पांच एकम पांच नहीं कट सकता, पांच दुनी दस, पांच तिया पंद्रह, पांचों के बीस, ये पहले ही कट चुका है। छह का पहाड़ा, क्योंकि ये छह सम संख्या तो सम संख्या है, हम पहले ही दो के पहाड़े वाली सारी काट चुके हैं। सात का पहाड़ा, सात एकम सात, सात को नहीं काटना, सात दुनी चौदह को काट दिया, सात इक्कीस है नहीं। इस प्रकार से मेरे ख्याल से सारे ही नंबर कट गए। तो इसमें से जो नंबर कट गए वो हैं कंपोजिट नंबर, जो नंबर नहीं कटे वो सारे हैं प्राइम नंबर। लेकिन इसमें एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, इसलिए इसे हम कहीं नहीं लिख सकते। तो आइए अब हम लिख लेते हैं अपने जो हमें नंबर्स बोले गए हैं। प्राइम नंबर जो जो किसी पहाड़े में नहीं कटे, क्यों? क्योंकि इनके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, ये नंबर खुद और वन। तो प्राइम नंबर्स हैं टू, थ्री, फाइव, जो नहीं कटे सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन और नाइनटीन, ये प्राइम नंबर्स हैं 20 से छोटे छोटे। और अब जो कंपोजिट नंबर जो कट चुके हैं वो लिखने हैं हमने। तो देखो वन तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसको नहीं लिखना। जो कट चुके, पहला नंबर है चार, अगला नंबर है छह, फिर है आठ, फिर है नौ, फिर दस, फिर बारह, फिर चौदह, फिर पंद्रह, उसके बाद सोलह, फिर अठारह, ये देख रहे हैं आप, सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये अठारह ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अठारह, अठारह के बाद बीस, तो बीस से छोटे ये सारे प्राइम नंबर है और ये सारे कंपोजिट नंबर है। तरीका ये जैसा मैंने आपको सिखाया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा और प्राइम और कंपोजिट नंबर में फर्क पता लगा होगा। यदि समझ आया तो प्लीज मेरे वीडियो को बच्चों लाइक जरूर करना। थैंक यू।